हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गोइंग टू बी सरफेस वाटर एंड इश्यूज रिलेटेड टू दिस। सो वी विल स्टार्ट विद सरफेस वाटर्स। सो द वाटर कमिंग थ्रू द प्रेसिपिटेशन, दैट इज रेनफॉल एंड स्नोफॉल, एंड डज नॉट परकुलेट डाउन into the ground or does not return to the atmosphere as evaporation or transpiration losses, it is assumed to become part of streams, lakes, ponds, wetlands and artificial reservoirs, and this is known as surface water. The whole surface water on earth you can divide into two parts. The most of this water you see in marine form, that is 97%, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, and rest of this is fresh water. And out of this fresh water, most of the fresh water, you know, it is present into the frozen form, permanently frozen form in our polar ice caps, and उसके बाद जो बचता है that is known as flowing water. Right? And जो भी flowing water है जो अर्थ पे आप देख रहे हैं, it is in the rivers or streams. Rest is in stagnant form. Right? And it is more than that is present into the rivers. Right? So whole percentage of fresh water is 0.006%. Right, and out of it only 0.001% is present in rivers. Right, and most of the surface fresh water is present into the lakes. तो जितना भी surface पे आप fresh water देख रहे हैं उसका ज्यादातर जो part है after polar ice caps it is present into the lakes, right? And as a fact, you must know there is a lake known as Lake Baikal. It is known to be as largest and deepest freshwater lakes. And it is having 23% of whole fresh water. ठीक है, जो भी surface water है उसका 23% कहाँ है? Lake Baikal में, right? Area wise ये बहुत बड़ी lake नहीं है, but इसमें जो volume है water का वो बहुत high है. ठीक है, just a fact. So surface water is largely used for irrigation purpose, industrial uses, public water supply and navigation, right? Irrigation में we have already discussed, right? River water को irrigation के लिए use किया जाता है, the industries में भी use होता है, इसके अलावा public water supply, and next is navigation. ठीक है, this is very important use of surface water. ठीक है, आपको पता है बहुत सारा जो trade होता है since ancient time waterways को use किया जाता है for the transport. ठीक है, इनफैक्ट कई सारे मेन लैंड्स की जो डिस्कवरी है वो भी वाटर वेज की वजह से ही हुई, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने की वजह से हुई, राइट? एंड यही वजह है कि जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है वो लार्जली डिपेंडेंट होती है रिवर्स पे, राइट? और आप जानते भी होंगे, आपने सुना होगा कि दुनिया की जो सबसे पुराने सिविलाइजेशन हैं, लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आर सेटल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स. जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं उनके
किनारे सबसे बड़े सेटलमेंट्स मिलेंगे, सिविलाइजेशन मिलेंगे आपको, राइट. इसके अलावा देयर इज वन मोर यूज ऑफ सरफेस वाटर, इट इज प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है सरफेस वाटर को और फ्लोइंग वाटर को. एंड इन टूडेज वर्ल्ड इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, व्हेन वी आर लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, तो नदियों पे डैम्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डैम्स का कंस्ट्रक्शन होता है एंड वहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोडक्शन होता है, राइट. वी विल बी स्टडिंग दिस इन अवर नेक्स्ट रिसोर्स, दैट इज एनर्जी रिसोर्स, वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग इसके बारे में, राइट. सो देर आर वाटर रिच कंट्रीज एंड वाटर पुअर कंट्रीज. एज जो वाटर रिसोर्सेज हैं या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, इट इज़ नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूट द ग्लोब, राइट. तो देर आर टॉप 10 वाटर रिच कंट्रीज, राइट, आइसलैंड, सूरीनाम, गयाना, पेपुआ न्यू गिनिया, गैबन, सोलोमन आइलैंड, कैनेडा, नॉर्वे, पनामा एंड ब्राज़ील, विच इज़ इन फार नॉर्थ, ठीक है, एंड हैविंग लो वेपोरेशन लॉसेज, राइट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. आप यहाँ पे जियोग्राफी से भी लिंक कर सकते हैं कि ये जो सारे रीजन्स हैं जो वाटर रिच हैं, दीज आर लाइंग इन नॉर्थ और वी कैन से फार नॉर्थ, ठीक है. और यू कैन सी कि जो फार नॉर्थ ये हो गया, ठीक है, इफ़ दिस इज इक्वेटर देन इट इज नॉर्थ, ठीक है, 20 degrees नॉर्थ, राइट. एंड ये पूरा एरिया है, ये इसको आप फार नॉर्थ कह सकते हैं, ठीक है. और ये सारी जो वाटर रिच कंट्रीज हैं वो यहीं प्रेजेंट है, ठीक है. तो इसका एक बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे जो सोलर रेडिएशंस हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, इक्वेटर के अराउंड होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक्स में. और इसी की वजह से इंटेंस सोलर रेडिएशंस की वजह से जो वाटर है उसका जो इवेपोरेशन होगा, ये इवेपोरेट ट्रांसपिरेशन होगा, वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है. सो इट मे बी अ जियोग्राफिकल रीज़न. And here are few water poor countries. ठीक है, you can see Kuwait, Egypt, United Arab Emirates, Malta, Jordan, Saudi Arabia, Singapore, Moldova, Israel, Oman, lying in desert belt at about 15 degrees to 25 degrees latitude. And some of them like Malta and Singapore are densely populated areas. That's why they are having वेरी लो पर कैपिटा वाटर, ठीक है, पर क्योंकि ये जो एरियाज हैं ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड हैं एंड जो अवेलेबिलिटी है वाटर की वो काफ़ी कम है, दैट्स वाई पर कैपिटा वाटर कंजप्शन है वो अपने आप कम हो जाएगा, राइट. आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू इशूज रिलेटेड टू वाटर. तो जो सबसे पहला इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वाटर के साथ एसोसिएटेड, और वी कैन से इट इज़ अ हाइड्रोमेटेरियोलॉजिकल हजार्ड, इट इज़ फ्लड, ठीक है. तो फ्लड कुछ देशों में आपको पता है लाइक इंडिया, बांग्लादेश, रेनफॉल डज नॉट अकर थ्रू आउट द ईयर, रादर 90% ऑफ इट इज़ कंसनट्रेटेड इन टू फ्यू मंथ्स लाइक जून टू सेप्टेम्बर, राइट. इट इज़ ऑल्सो नोन एज मानसून सीजन. Heavy rainfalls often causes floods in the low-lying coastal areas, right? It is because of heavy rainfall. And prolonged downpour can also cause the overflowing of lakes and rivers, which is known as floods, right? There are few reasons for flood written here, like deforestation, overgrazing, mining, rapid industrialization, and global warming, right? So all these have contributed largely to a sharp rise in the incidence of floods, right? And that's why it is a natural disaster. In some parts like India and Bangladesh, jo monsoon rainfall hai, isko use bhi kiya jata hai for the production of paddy, theek hai? Because paddy ek aisi crop hai jiske liye ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, इरीगेशन ज़्यादा करना पड़ता है, तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग पैडी, राइट.
So there have been some severe floods, like in 1970s, 1988, 1991, and reasons in ke bahut sare the, like Himalayan runoff storms, theek hai. And iske alawa there are few recent floods. अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में फ्लड्स से कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि फ्लड्स क्या है. आपके एग्जाम में यूनिवर्सिटी में जो मैंने देखा है, देर इज अ पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द करेंट इवेंट्स, राइट. तो इन लास्ट ईयर सेमेस्टर एग्जाम दे आस्क्ड अबाउट तमिलनाडु फ्लड्स. क्वेश्चन कुछ ऐसे था, यू हैव क्वेश्चन आई कैन रिमेंबर, यस. तो उन्होंने पूछा था कि वॉट आर द पॉसिबल रीजन्स फॉर तमिलनाडु फ्लड्स, एक्सप्लेन करना था आपको, ठीक है. तो एक्चुअली जो ये जो क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू अर्बन फ्लड्स, विच इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द मॉनसूनल फ्लड. तो अर्बन फ्लड्स में क्या होता है, जो अर्बन फ्लड्स हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट फ्लडिंग इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, तमिलनाडु, बेंगलोर, इवन इन दिल्ली, गुड़गांव, राइट. So there have been few recent floods. उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है. फॉर एग्जाम्पल देर वर फ्लड्स इन 2020 इन मैनी सिटीज एंड रीजन्स ऑफ इंडिया, लाइक आसाम. रिसेंट में 2020 में आसाम में फ्लड्स थे, बिहार में फ्लड्स आए थे, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट अर्बन फ्लडिंग. Right, so there can be so many reasons for urban floods. The first reason is indiscriminate concretization. Indiscriminate concretization. This is the first रीजन फॉर द अर्बन फ्लड. अभी डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं वन बाई वन. सेकेंड रीजन कैन बी डिसअपियरिंग वाटर बॉडीज. थर्ड रीजन इज इंक्रोचमेंट ऑफ encroachment of natural drainage system. Right? One more reason can be unregulated dumping of sewage and waste. और ये सारे पॉइंट्स कॉमन हैं आपसे, चाहे ये पूछा जाए कि मुंबई में फ्लड्स के रीज़न क्या हैं, जो भी अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे फ्लडिंग का जो कॉज है, तो आप किसी भी क्वेश्चन में ये सारे रीजंस को यूज़ कर सकते हैं, राइट. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग विद द एग्जांपल वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल indiscriminate concretization, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था when we were discussing groundwater. As you see in urban areas, बहुत ज़्यादा industrial development या construction की वजह से there is concretization, ठीक है,
रोड्स बिल्डिंग्स एयरपोर्ट्स राइट सो देर इज नो सॉइल लेफ्ट एंड जब भी किसी एरिया में सॉइल एरिया नहीं होगा ठीक है पूरा एरिया सीमेंटाइज होगा कॉन्क्रीटाइज होगा देन देर विल बी नो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रेन वाटर ठीक है तो ग्राउंडवर्ड सॉरी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हुआ ग्राउंड वाटर का देन देर विल बी नो डाउनवर्ड परकुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इसकी वजह से देर विल बी सिचुएशन लाइक फ्लड ठीक है वाटर विल बी फ्लोइंग थ्रू द रोड्स ठीक है सेकेंड रीजन इज डिसअपीयरिंग वाटर बॉडीज ठीक है यहाँ वाटर बॉडीज से मतलब है लेक्स पॉन्ड्स ठीक है ऑल द वेटलैंड्स जो भी वेटलैंड प्रेजेंट हैं तो हर वेटलैंड का अपना एक कैचमेंट एरिया होता है ठीक है कोई भी जो वाटर बॉडी है वो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर हो सकता है कि वो ड्राई हो जाए ठीक है बट इन मानसून सीजन वो अपना जो उसका वॉल्यूम है वाटर का पूरा वॉल्यूम वाटर पूरा वॉल्यूम एक्वायर करेगा ठीक है सो इन मानसून सीजन इट विल बी फिल्ड विद द वाटर बट अगर हम उस वेटलैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देंगे हम एयरपोर्ट बना देंगे ठीक है वहाँ पे हम वहाँ से हाईवे बना देंगे राइट द होल एरिया विल बी कॉन्क्रीटाइज और जो जो वाटर है उसका डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो पाएगा उसका परकुलेशन नहीं हो पाएगा सो इट विल लीड इन टू द फ्लड लाइक सिचुएशन राइट फॉर एग्जाम्पल द बिल्डिंग ऑफ तमिलनाडु एयरपोर्ट ठीक है जो तमिलनाडु का जो एयरपोर्ट है वो एक वेटलैंड एरिया के ऊपर उसका कंस्ट्रक्शन किया गया ठीक है तो दिस वॉज वन ऑफ द रीजन फॉर द तमिलनाडु फ्लड्स ठीक है थर्ड इज इंक्रोचमेंट ऑफ नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम ठीक है आपको पता है कि जो भी रिवर होती है वाटर बॉडी होती है तो रिवर के दोनों साइड उसका फ्लड फ्लड प्लेन होता है ठीक है लोलैंड एरिया होता है इसको उसका फ्लड प्लेन कहते हैं और जनरली होता क्या है कि जो समर सीजन होता है उसमें जो फ्लड प्लेन है वो ड्राई अप हो जाता है बट इन मानसून सीजन रिवर अपना पूरा एरिया एक्वायर करती है ठीक है जो उसका पूरा फ्लड प्लेन होता है वो वाटर से फिल्ड होता है ठीक है तो अगर आप फ्लड प्लेन पे कंस्ट्रक्शन करेंगे ठीक है तो मानसून में वहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम तो होगी राइट सो दिस इज द रीज़न और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आप देखेंगे जहाँ पे भी रिवर बैंक्स हैं जहाँ जो नदियों के किनारे हैं वहाँ पे आजकल बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है इसीलिए थोड़ी सी बारिश में वहाँ पे फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है राइट इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है दिल्ली में जो अक्षरधाम टेम्पल बना है इट इज़ ऑन फ्लड प्लेन ऑफ यमुना ठीक है यमुना का फ्लड प्लेन है ठीक है जो पूरा गेम्स विलेज है जो कॉमनवेल्थ के टाइम पे बना था वो भी पूरा कहाँ है यमुना के फ्लड प्लेन में ठीक है तो इसीलिए अक्सर दिल्ली में जब भी हैवी डाउनपोर होता है तो फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है राइट द फोर्थ इज अनरेगुलेटेड डंपिंग ऑफ सीवेज एंड वेस्ट ठीक है दिस इज द फोर्थ रीजन फॉर अर्बन फ्लड्स इसमें क्या है कि जो भी रिवर्स हैं ठीक है या जो भी वाटर बॉडीज है वहाँ पे वेस्ट की बहुत ज़्यादा डंपिंग हो गई ठीक है और जो सीवेज का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया उसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे सिल्टेशन हो जाएगा रिवर होगी तो वहाँ सिल्टेशन होगा और अगर कोई पॉन्ड है छोटी वाटर बॉडी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पूरी तरह से कवर अप हो जाए ठीक है सो अगेन मानसून सीजन में जो पानी होगा वो ओवरफ्लो होगा एंड इट विल क्रिएट अ सिचुएशन लाइक फ्लड्स राइट सो ऑल दीज आर द रीजंस फॉर अर्बन फ्लड्स ठीक है सो दैट्स इट अबाउट द फ्लड्स राइट इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ड्रॉट एंड द पॉसिबल इम्पैक्ट्स ऑफ ड्रॉट थैंक यू फॉर द लिसनिंग